हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ पुदीने की ऐसी टेस्टी चटनी जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा और बहुत फटाफट बना लेंगे। और दही ना हो तो कैसे बनाए, टमाटर ना हो तो कैसे बनाए, ये सारी चीजें, सारी ट्रिक भी इस वीडियो में जानेंगे। पुदीने की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ ली है। आपको फ्रेश पत्तियाँ लेनी है और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि मिट्टी कण वगैरह रहते हैं। और अच्छे से वॉश करके एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये सारे पुदीने की पत्तियां ऐड कर देंगे। ये आपको थोड़ी सी ऐसे रफ सी पत्तियां लग रही होगी क्योंकि कल की है और मैं बनाना भूल गई थी, अब आज मैं सुबह बना रही हूँ इसी वजह से। हाफ कप दही, वो हरी मिर्च, दो हरी मिर्च को कट कर लेंगे। हरी मिर्च मेरी बहुत ज्यादा स्पाइसी है इसलिए मैं रेड चिली पाउडर इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। और एक टमाटर, क्योंकि दही बिल्कुल फ्रेश है, हल्का सा अच्छा टेस्ट है इसलिए। अब एक टमाटर इसमें डाल देंगे। हाफ चम्मच सिंपल नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काला नमक, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और इन्हें एक बार मिक्सी में पीस लेंगे। हाँ, इसकी खुशबू आ रही है ना पुदीने की, पूरा घर में एक उठा है। और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से अपन ने ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से ग्राइंड करके और एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, सर्विंग बाउल में। छानने की जरूरत नहीं है इसे। और इसमें ऊपर से चाहो तो थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर दही ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है सलाद वाला, तो इसमें दही ऐड एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने की जरूरत है। ये हमारी टेस्टी सी पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। माय ओ